भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली दे विच नवे संसद भवन का उद्घाटन करदिया इस नूं देश दे समर्पित कर दिता है। धार्मिक रस्मां तों बाद संतां ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं पुरातन सिंगोल सौंपिया जिस नूं नवे संसद भवन दे विच स्पीकर दी कुर्सी दे नाल स्थापित किया गया है। पीएम मोदी दे वल्लों नवी संसद दे विच सिंगोल लाउण तों बाद सर्वधर्म प्रार्थना भी करवाई गई अते उद्घाटनी समारोह मौके हवन भी किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने पूरियां रस्मां दे नाल पूजा प्रोग्राम दे विच हिस्सा लिया। इस मौके लोक सभा दे स्पीकर ओम बिरला भी हवन पूजा दे विच प्रधानमंत्री दे नाल बैठे अते उद्घाटन मौके भी प्रधानमंत्री ने उन्हां नूं अपने नाल रखिया। उद्घाटनी समारोह दे विच बीजेपी शासित सूबियां दे सारे मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे अते सरकार दे कैबिनेट मंत्री भी मौजूद सन। नवी पार्लीमेंट दे विच सर्वधर्म प्रार्थना सभा दे विच कई धर्मां दे लीडरां ने भी आपो अपने धर्म दे मुताबिक अरदास कीती। प्रार्थना सभा दे विच प्रधानमंत्री मोदी लोक सभा स्पीकर ओम बिरला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तो इलावा होर वड्डे लीडर हाजिर सन। इस मौके प्रधानमंत्री दियां जिहड़ियां तस्वीरां सामने आईयां ने उन्हां नूं बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया खात्यां दे उत्ते सांझा करदिआं लिखिआ है मंदर लोकतंत्र दा। नवी संसद दे उद्घाटनी समारोह दा कांग्रेस सने 20 दे करीब विरोधी पार्टियां ने बाइकॉट कीता ते इस उद्घाटनी समारोह दे विच शामिल नहीं होए। पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी इस प्रोग्राम दा बाइकॉट कीता सी। जबकि श्रोमणी अकाली दल दे प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने उद्घाटनी समारोह दे विच शामिल होण दा फैसला लिया सी। संसद भवन की नवी इमारत दे विच महात्मा गांधी दे आदम कद बुत नूं स्थापित किया गया है ते संसद की नवी इमारत दे विच लोक सभा की जिहड़ी इमारत है उसनू कौमी पंछी मोर दा थीम अते राजसभा नू कौमी फुल कमल दे थीम ते डिजाइन किया गया है। पुरानी लोक सभा दे विच वध तों वध 552 लोग बैठ सकते सी जबकि नवी लोक सभा इमारत की समर्था 888 सीटां की है। पुरानी राजसभा भवन दे विच 250 मैंबरां दे बहिण की समर्था सी जबकि नवें राजसभा भवन की समर्था वध के 384 हो गई है। नवे संसद भवन की सांझी बैठक दौरान हुण इत्थे कुल 1272 मैंबर बैठ सकणगे। नवी इमारत दे विच सारे संसद मैंबरां नूं वक्खरे दफ्तर दित्ते जाणगे जिन्हां दे विच कागज़ रहित दफ्तरां दे टीचे वल वधण दे लई आधुनिक डिजिटल सहूलतां दित्तियां गईआं ने। इत्थे एक विशाल संविधान हाल होवेगा जिस विच भारत दी लोकतांत्रिक विरासत नूं दर्शाया जाएगा। भारत दे संविधान दी असल कापी भी रखी जाएगी। संसद मैंबरां दे बैठण लई इत्थे एक वड्डा हॉल, एक लाइब्रेरी, कमेटियां दे लई कई कमरे, डाइनिंग रूम ते पार्किंग दे लई काफ़ी थां रखी गई है। पूरे प्रोजेक्ट का निर्माण खेत्र 64,500 वर्ग मीटर दे विच फैलिया होया ते नवी संसद का खेत्रफुल मौजूदा संसद भवन तो 17,000 वर्ग मीटर वध है। इस दरम्यान कई लोगों के मन दे विच सवाल आउंदा होएगा कि संसद की नवी इमारत का उद्घाटन हो चुका है पर जिहड़ी पुरानी इमारत है उसका हुण की होगा। ब्यूरो रिपोर्ट द खालस टीवी।